प्लेटफॉर्म के थ्रू उन यंग बच्चों को मौका मिलेगा। कुछ पूछे? यस, और जुड़ा मैं उससे टू प्रेजेंट इट, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे रिलेशन सारे गामा के साथ, यू नो माय एक्सपीरियंस डूइंग हंटर विद देम हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, और सेलिब्रेटिंग द 80s एंड द 90s, सेलिब्रेटिंग मिथुन दा एंड यू नो बप्पी दा, लेजेंडरी। बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को, और ख़ास करके वो जो कनेक्ट इंटरनेशनली इंडियंस जो NRIs बाहर रहे हैं, वो अगर दोबारा देश आए, यू नो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक के वजह से, तो म्यूज़िक ने जोड़ा हुआ है हम सबको, और यही सेलिब्रेट करने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि मैं भी बड़ा हुआ हूँ उसी म्यूज़िक पर और इन्हीं हीरोज़ को देख कर। आई थिंक नॉस्टैल्जिक था, तो आई डेफिनेटली सेट फ्रॉम NFTC मेरी कंपनी और मेरी तरफ से कि हाँ मैं जुड़ूंगा, क्योंकि ये रियल म्यूज़िकल एक्सपीरियंस का मौका कभी मिला नहीं है लोगों को, ये देखने जैसे ब्रॉडवे जो होता है। म्यूज़िक हमारे से शुरू हुई है, हिंदी फिल्मों से शुरू हुई है, और न के बाहर से, यू नो अब लोग जाके ये जानने लग गए कि हाँ यार म्यूज़िक अगर फिल्मों में हो तो कितना अच्छा है। पहले तो मजाक उड़ाया करते थे हमारा, तो दौर बदल चुका है, और यही हम याद दिला रहे हैं। और ये डिस्को डांसर विल बी वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स म्यूज़िकल, उसके बाद बहुत सारे प्लान्स है सारे गामा के साथ साथ यंग बच्चों को मौका मिलता है सिंगर्स डांसर्स स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है, जैसे अच्छे अच्छे शोज आज इंडियन आइडल हो या इंडियाज गॉट टैलेंट हो, यंग बच्चों को मौका देता है। आई थिंक सिंगर्स एंड डांसर्स परफॉर्मर्स साथ में सारे गामा, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें यू नो मौका दें। क्या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू उन यंग बच्चों को मौका मिलेगा? जी कुछ पूछे आप? हाँ हाँ, क्या पूछे? कुछ पूछे? मौका मिलेगा या 100%? देखो आप हंस रहे हो, खुश हो ना? You liked what I did, na? तो काटना मत यार। Thank you.